मान लो मैंने तुमसे कहा कि तुमको बताना है कि मान लो मैंने दे दिया चार ऑप्शन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ठीक है, चार ऑप्शन लिख दिया, और इसमें बोला कि बेटा आप हमको इसमें बताओ नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर, इसमें नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर इंक्रीज, ठीक है, ये क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस जो है इसमें आप हमको बताओ कि फैमिली का नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। समझ में आ रहा है? वो यस मैम, मैम ऊपर से नीचे की नीचे से ऊपर। तो हम कुछ नहीं जानते हैं, हम तो तुमको समझा दिए हैं ना कि क्या होगा। अब मैं ये चेक कर रही हूँ कि तुमको समझ में आया है कि नहीं। समझ रही हो? मैंने क्वेश्चन में दिया तुमको कि तुमको फाइंड आउट करना है, जैसे कि मैंने चार ऑप्शन दे दिए, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ठीक है, और मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर इंक्रीज होगा इसमें, इन चारों में से कौन सा होगा बताओ। समझ में आ रहा है यस मैम, क्या होगा? सपोज मान लो मैंने फैमिली तुमको दे दिया, ठीक है, फैमिली क्वेश्चन में लिख दिया कि बेटा आप हमको बताओ नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर इंक्रीज सीक्वेंस में, ठीक है, और मैंने ऑप्शन दे दिया कि फैमिली में, और उसके अंदर चार ऑप्शन दे दिया, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। अब तुम देखो कि फैमिली के हम ऊपर जा रहे हैं तो ये कॉमन करेक्टर इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, या फैमिली के जस्ट नीचे आ रहे हैं तो कॉमन करेक्टर इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, देखो क्या हो रहा है बताओ। अगर ऊपर जा रहे तो मैम कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होगा। ये कहाँ ऊपर जा रहे हैं तो कॉमन कैरेक्टर ये फैमिली के जस्ट डिक्रीज ऊपर होगा। जा रहे हैं तो डिक्रीज होगा। तो मान लो क्वेश्चन में अगर आएगा कि हमको नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज में बताना है फैमिली का, और चार ऑप्शन है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, तो आंसर क्या लगाओगे? ऑर्डर लगाओगे? जीनस समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में मैम आया, कंफ्यूजिंग हो रहा है। देखो फिर से बता रही। देखो सपोज मान लो ये चार ऑप्शन मैंने दे दिया तुमको, 1 2 3 4 दिख रहा है ना स्क्रीन पे? यस मैम, अब माइंड में देखना, हम सिर्फ मैंने कॉमन पूछा है, जनरल नहीं पूछा है, ठीक है? बच्चे क्या कंफ्यूज यस हो मैम, जाते हैं, वो सोचते हैं कि है, जनरल कॉमन सब एक ही है, सब लगा दो। बट कॉमन अलग है, सिमिलरिटी एक होगा तो कॉमन होगा और जनरल कुछ और है, ठीक है बेटा? तो मैंने पूछा कि मैंने तुमको फैमिली दे दिया, क्वेश्चन में मैंने लिखा कि फैमिली को तुम ले लो, ठीक है, और फैमिली को पकड़ कर तुम हमको बताओ कि कॉमन करेक्टर हमको डिक्रीज में बताओ कौन सा होगा, जीनस होगा, ऑर्डर होगा कि क्लास होगा, इसके ऊपर नीचे जाके देखो किधर कॉमन करेक्टर घट रहा है। हमको फैमिली को पकड़ के चलना है क्योंकि मैंने क्वेश्चन में फैमिली डाल रखा है, समझ रही हो? क्वेश्चन आएगा आपके पास तो इन चारों में से किसी एक का नाम जरूर देगा और फिर चार ऑप्शन भी देगा, क्योंकि ऐसे तो दे नहीं देगा कि भैया बस नंबर आप कॉमन करेक्टर बताओ, ऐसे नहीं देगा, ऐसे देगा आपको चार ऑप्शन देगा और उसमें से किसी एक को पकड़ेगा, चाहे क्लास को पकड़े, चाहे ऑर्डर, चाहे फैम, कोई भी पकड़ ले और बोले कि बेटा अब हमको इसको लेके चलना, अब आप हमको बताओ इसमें नंबर ऑफ करेक्टर किधर डिक्रीज होगा, ऊपर जाओगे तो डिक्रीज होगा, नीचे आओगे तो डिक्रीज होगा, समझी? यस मैम, हाँ, तो अब देखो फैमिली को पकड़ लिया मैंने क्योंकि क्वेश्चन में तो फैमिली पूछा है, अब हम देखते हैं फैमिली के हम ऊपर जा रहे हैं यानी कि ऑर्डर दिया है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है और डिक्रीज, और क्वेश्चन में क्या पूछा है डिक्रीज पूछा है, तो आंसर क्या लगाओगे? ऑर्डर हाँ समझ में आया? अगर इंक्रीज यस मैम, पूछता, अगर इंक्रीज पूछता तो आप क्या लगाते फैमिली के जस्ट नीचे, जीनस लगाते ना, यस मैम, क्योंकि नीचे आते हैं तो नंबर इंक्रीज होता है, ऊपर जाते हैं तो नंबर डिक्रीज होता है, ठीक है? यस मैम, देखो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज कभी मत होना,
तीन पॉइंट तुमको माइंड में रखना है, एक तो करेक्टर को माइंड में, कॉमन करेक्टर को माइंड में रखना है, अगर तुमने डिक्रीज को माइंड में रखा तो इंक्रीज ऑटोमेटिक निकाल लोगी, ठीक है। नंबर आप जनरल करेक्टर क्या है, जस्ट कॉमन करेक्टर के अपोजिट है, पता है ना। यस मैम। तो बस एक चीज माइंड में रखो, दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा थिंग असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर माइंड में रखना है ना। ओके मैम क्या असेंडिंग ऑर्डर और क्या डिसेंडिंग ऑर्डर हमको माइंड में रखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर माइंड में रखना और असेंडिंग, ठीक है। तो अब देखो, चलो अब आगे बढ़ते, समझ में आया ना, समझ में yes, आया ma'am. कि हाँ। Yes, ma'am, आ गया। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना बेटा, करवाएंगे आगे No, ma'am. तो फिर आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो अब देखो, अब हम थोड़ा आगे लिखवाते हैं, लिखते हैं थोड़ा पहले बेटा। जैसे मैंने तुमको ह्यूमन के बारे में बताया ना, ये कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर मैन मैंने लिखा है तो सिर्फ मैन ही नहीं, ह्यूमन इसमें सारे आएंगे, ठीक है। यस मैम। हाँ नहीं तो कहोगे कि मैम ने तो मैन लिखवाया, फीमेल के लिए कुछ और होगा। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे ह्यूमन लिख लेना, ठीक है, यस मैम। ह्यूमन के लिए, ठीक है। देखो मैं इसलिए बेसिक से बता रही हूँ ताकि आपको ऐसा ना हो कि मतलब बेसिक चीज ना आए, ठीक है, बेसिक चीज आना पहले जरूरी है। ओके तो चलो, ये तो मैंने आपको ह्यूमन के बारे में बता दिया, अब थोड़ा हम इनके बारे में लिख लेते हैं। मैंने बोला था ना तीन एग्जांपल मैं दूंगी, एक तुम्हारा ह्यूमन का हो गया, एक हाउस फ्लाई का, ठीक है, और एक एंजियोस्पर्म जो कि प्लांट में आ जाएगा, ठीक है, और एक और देना है उसका। ये तीनों जो आपके हैं बेटा एनसीईआरटी से है, ठीक है, और एनसीईआरटी पर्टिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बताते हैं, तो यहाँ पर तो मैंने यहीं पे मैं लिख देती हूँ तीनों के बारे में, ठीक है। ओके तो अब लिखते हैं बेटा, लिखते चलना, ये ह्यूमन का हो गया। अब यहाँ पर मैं यहाँ पे लाइनिंग खींच दू क्या ताकि कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं आपको हाउस फ्लाई जो है ना, हाउस फ्लाई के बारे में लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख लो हाउस फ्लाई, ठीक। तो देखो वो आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, हाउस फ्लाई का भी कुछ भी इसमें से दे देगा और पूछेगा कि आप इसमें कॉमन करेक्टर बता दो, जनरल करेक्टर बता दो, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। या इसका कुछ भी फैमिली नाम दे दिया, ठीक है, और बोल दिया कि होमिनिडी के किसका है, ये मैन का है, ये ह्यूमन का है कि हाउस फ्लाई का है, ठीक है। तो लिखते हैं बेटा, अब इधर मुझे लिखने की जरूरत पड़ेगा क्या, किंगडम इधर डालना पड़ेगा, नो मैम, लिख देती हूँ, ठीक है। क्लास हो गया, ये ऑर्डर हो गया, फैमिली हो गया, जीनस हो गया, स्पीसीज हो गया, ठीक है। तो अब हाउस फ्लाई का क्या होता है बेटा, किंगडम क्या होगा, हाउस फ्लाई किसमें आता है, इसमें आएगा एनिमेलिया में ही आएगा ना बेटा। अब देखो यस मैम। और फाइलम इसका क्या होता है, इंसेक्ट है, हाउस फ्लाई क्या है, इंसेक्ट है ना, तो क्या होगा फाइलम, क्या होगा, इंसेक्ट किसमें आता है, आर्थ्रोपोडा में आता है। आप पढ़ोगे जब मैं पढ़ाऊंगे, ये क्या होता है, पोरीफेरा, सिनेंट्रेटा, टीनोफोरा, सब जानते हो ना फाइलम, यस मैम। जब आप एनिमल किंगडम पढ़ोगे ना तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये आर्थोपोडा, आर्थोपोडा मीन्स क्या होता है, आर्थो मीन्स क्या होता है, ये जो इंसेक्ट होते हैं जिनके जो इंसेक्ट जो होते हैं, आर्थो मीन्स आपका, पोडा मीन्स लेग हुआ, ठीक है, आर्थो मीन्स इंसेक्ट हुआ, ठीक है। तो इंसेक्ट का, इंसेक्ट का आपका क्या हो गया, मतलब जितने इंसेक्ट होंगे जो होंगे वो सब के सब आपके आर्थोपोडा में आएंगे, ठीक है। ओके तो अब देखो, अब इसका क्लास भी लिख लेते हैं बेटा, क्लास क्या हो जाएगा इसका, क्या होगा, इंसेक्ट, हाँ लिखा है ना मैंने इंसेक्ट, ठीक। ऑर्डर हो जाएगा आपका, ऑर्डर आपका हो जाएगा, लिख दिया मैंने डायप्टेरा, और आप क्या लिखेंगे, फैमिली, फैमिली इसका लिखेंगे म्यू सी ए, ठीक है। एंड जीनस इसका होगा बेटा, जीनस होगा म्यू म्यू इसका, ठीक है,
ओके और स्पीसीज होगा इसका दो मेस टी का, ठीक है, क्या होगा डोमेस्टिका। अब देखो, अब इतना माइंड में आपने याद रखना है, इसको याद करने का तरीका, अगर जीनस स्पीसीज माइंड में रखना है तो मक्खी जो होती है वो हमारे कान के पास क्या करती है, करती है ना, म्यूजिक देती है ना, बिन 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 बिनाती रहती है। तो इसको याद करने का तरीका लिखियो कि मक्खी जो है वो हमको म्यूजिक दिया, ठीक है, म्यूजिक दिया। तो डी से क्या हो जाएगा, डी से डोमेस्टिका हो जाएगा, और एम से क्या हो जाएगा, ठीक है, याद हो जाएगा ना, जीनस स्पीसीज याद हो जाएगा। चलो तो अब ये तो हो गया तुम्हारा क्या, हाउस फ्लाई हो गया, ठीक है। अब हम थोड़ा इसका भी देख लेते हैं, अब प्लांट पे अब आते हैं, ठीक है, प्लांट पे आते हैं। प्लांट में बेटा सबसे ज्यादातर हम किसका देखते हैं, एंजियोस्पर्म का देखते हैं, ठीक है, ओके। एंजियोस्पर्म जो कि फ्लावरिंग प्लांट होता है, पता है ना एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट होता है, पता है कि नहीं? यस मैम पता है, ठीक है। प्लांट के बारे में देखते हैं, यहाँ पे आप दिख रहे हैं, मेरे पेन चली नहीं रहा, चलो ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फिर से, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, क्लास हो गया, ऑर्डर हो गया, फैमिली हो गया। ये सीक्वेंस आप माइंड में रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, बोल देगा असेंडिंग ऑर्डर लिखो, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखो, ठीक है। यस मैम। तो अब इसका लिखते हैं बेटा, लिख लो किंगडम इसका क्या होगा, इसका किंगडम हो जाएगा आपका प्लांट के बारे में क्या हो जाएगा, प्लांट ही होगा ना, प्लांट ही, प्लांट, ओके। और इसका फाइलम हो जाएगा बेटा एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है, एंजियोस्पर्म, ठीक है। एंड इसको हम प्लांट में क्या गिनते हैं बेटा, डिविजन। अब इसको क्या पढ़ेंगे, डायटाइलेडॉन। अब डायटाइलेडॉन में थोड़ा समझती हो? नो मैम। देखो एक होता है मोनोकोटाइलेडॉन, एक होता है डायकोटाइलेडॉन, होता है ना, यस मैम, कोटाइलेडॉन और डाई, यहाँ पे ओ होगा, यहाँ पे ओ लिख ले, ठीक है, डायकोटाइलेडॉन। देखो मटर जो होता है, ये चना होता है, तो उसको जब तुम भिगोती हो या ऐसे ही तोड़ती हो तो दो टुकड़े में बंटता है ना, हाँ होता है ना, दो टुकड़ा अलग अलग। चावल को तोड़ो तो बीच में से दो इक्वल होगा, नहीं गेहूं होगा, नहीं होगा ना ये सब, तो जो सी मतलब जो दो अलग अलग इक्वल पार्ट में ना बटे वो हो गया मोनो, लिख लेना रफ में, ठीक है, आता है बेटा डाइकोटाइलेडॉन मोनोकोटाइलेडॉन, ये सब बहुत बेसिक है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। यस मैम। तो समझ में आ गया ना मोनो और डाई। यस मैम। चलो अब इसका ऑर्डर देखते हैं बेटा, ऑर्डर आपका हो जाएगा सेपिनेडेल्स, ठीक है, और इसका फैमिली हो जाएगा, फैमिली लिखो एना का, नाम इन सब का थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, बस थोड़ा माइंड में, अब ये नहीं कि एकदम रटने लगे, आना चाहिए आपको बस, ठीक है, है ना, ठीक है। और हो गया, और जीनस इसका हो जाएगा ओके, आप जीनस इसका लिखो मेंजी फेरा इंडिका, समझ में आ गया ना मैं किसके बारे में बता रही थी, ये जो एंजियोस्पर्म के बारे में बता रही हूँ मैं, आम जो होता है, आम होने से पहले उसका फ्लावर होता है कि नहीं, यस मैम होता है ना, तो ये मैंने किसका बताया, यहाँ पे, यहाँ पे आप लिख लो प्लांट ने, यहाँ पे आप लिख लो मैंगो, लिख लो यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ मैंगो का बताया, ठीक है, यहाँ पे मैंगो लिख लो, मैंगो, ठीक है, ओके हो गया ना। अब
इतना हो गया क्या, लिख लिया आपने, हटा दो। यस मैम हो गया। अब देखो, अब इसको याद करने का तरीका देखो, माइंड में रखना, डी को याद कर लो, डी एस ए, ठीक है, तो इस तरह पढ़ सकती हो यहां से, पी ए पी ए डी क्या हो जाएगा, पैड, पढ़ सकती हो ये, समझ आया मेरा, इसको पैड पढ़ लो, पी ए डी पैड, और आगे समिंग, एस ए एम आई, हो जाएगा ना, पैड समिंग, जो भी तुम अपने तरीके से समझ सको उसको माइंड में रखने के लिए, ठीक है, क्योंकि कुछ भी दो पॉइंट आगे से आएगा तो आपको माइंड में ये रहेगा कि हाँ यार मैंगो का ये सीक्वेंस था, हाँ ये तो जीनस स्पीशीज तो आता ही है, और किंगडम फाइलम भी याद रहता है, मेनली कंफ्यूजन होता है क्लास ऑर्डर फैमिली, इसी में होता है ना कंफ्यूजन, बाकी तो ये चार याद रहता ही है। चलो हटाऊं उसको, यस मैम। चलो अब एक और लिख लो, एक और लिख लो आप, कौन सा, मैंने बताया था विट का, मैं इसलिए ये बता रही हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है, ये पूछ सकता है, ठीक है, यस मैम, नहीं तो फिर मैं ये लिखवाती भी नहीं, बताती भी नहीं, एनसीईआरटी में इम्पोर्टेंट है इसलिए बता रही हूँ। अब एक विट के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप फिर लिख लो, क्या लिखोगे, किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशीज, चलो तो यहाँ पे हम किसका देख रहे हैं, वीट का, ओके वीट का देख रहे हैं, तो वीट का हम लिखेंगे बेटा, किंगडम इसका क्या हो जाएगा बेटा, प्लांटी, ठीक है, जितने प्लांट से रिलेटेड चीज बताओगी वो किंगडम होगा, मतलब प्लांटी, और जितने एनिमल से बताओगी वो किंगडम क्या होगा, एनिमल ही है, ठीक है, यस ओके। अब देखो फाइलम इसका क्या हो जाएगा बेटा, फाइलम क्या हो जाएगा, जितना फ्लावर, तो ये भी तो इसका भी तो फ्लावर होता, तो ये भी किसमें आएगा, एंजियोस्पर्म, ठीक है, ये भी एंजियोस्पर्म में आएगा, और लिख लेना ए, ठीक है, सी का क्या होगा, मतलब क्लास क्या होगा, ये बताओ विट जो होता है मोनो होगा कि डाई होगा, मैम मोनो, ये बताया है ना मैंने, हाँ ठीक है, ठीक है, मोनो कोटिलेडन, चलो अब इसका ये देख लेते हैं, इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर होता है ओल्स, फैमिली होता है ओआ, और इसका जीनस होता है ट्रिटिकस, स्पीशीज होता है ए से टाई वर्म, ठीक है, एम है, ओके हो गया इतना, यस मैम, बोर तो नहीं हो रही हो ना, नो मैम, चलो आगे लिखवाते हैं, देखो जो एंजियोस्पर्म होता है ना बेटा, अब हमको पढ़ना क्या, अब हमको टैक्सा के बारे में पढ़ना है, ठीक है, तो इससे पहले ये जान लो, यहाँ पे आप लिख लो कि होता क्या है, कि जो एंजियोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म, ठीक है, तो ये बेटा जितने एंजियोस्पर्म होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लावरिंग, सबके सब होते हैं, ठीक है, ऑल फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, ठीक है, और ये किस में आते हैं, डिवीजन में, प्लांट है ना, ठीक है, अगर इंसेक्ट की बात करें, ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्लास हो गया, इंसेक्ट क्लास में ही आता है ना इंसेक्ट का, क्योंकि फाइलम तो आर्थ्रोपोडा हो जाएगा, ठीक है, तो इनमें क्या होता है, थ्री पेयर ऑफ ज्वाइंट होता है, आर्थो मीन्स बेटा ज्वाइंट होता है, ठीक है, ज्वाइंट लेग्स होता है, ठीक है, मतलब कीड़ा, ये इंसेक्ट में आप देखती हो ना, इन सबका पेयर क्या होता है, ज्वाइंटेड होता है ना, पेयर में, यस मैम, थ्री पेयर मतलब सिक्स होता है ना, तो अब देखो
ये तो इतना समझ में आ गया, ठीक। ये मैंने आपको बता दिया कि इंसेक्टर का क्या होता है और एंजियोस्पर्म का क्या होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि टैक्सॉन क्या होता है, टैक्सा क्या होता है, ठीक है। तो आगे ये हो गया, हटा दो। यस मैम, हो गया। तो देखो सबसे पहले ये जान लो कि मान लो मैंने इधर, अब फिर से मुझे इधर लिखना पड़ेगा, चलो लिखती हूँ वैसे, क्योंकि उधर फिर करूंगी तो इधर पूरा इधर स्पेस है ही नहीं इसमें समझाने के लिए। चलो इधर ही फिर से लिखते हैं, ठीक है। अगर आपने लिखा है जो मैन का लिखा है, ह्यूमन का, अगर वहां पे स्पेस है तो आप वहां पर लिख लो, ठीक है, जो मैं पॉइंट लिखवा रही हूँ, ठीक है। अलग से लिख लो, मान लो मैंने बताया था ह्यूमन का, बताया था ये किंगडम हो गया और फाइलम क्लास। अब तो ये सीक्वेंस भी आपको याद हो गया होगा बेटा। यस मैम। ऑर्डर के बाद क्या आता है? फैमिली। फैमिली के बाद जीनस, स्पीशीज, ठीक है। चलो लिख लेते हैं इसका, फिर बताते हैं। तो देखो इसका क्या हो गया, मैन का ही अगर एग्जांपल लेके चले, मैन या ह्यूमन का, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसका आपका किंगडम मैंने क्या बताया था, एनिमेलिया। एनिमेलिया अगर स्पेस नहीं है तो आप फिर से ये लिख लो, ठीक है। और ये हो गया कॉर्डेटा, ठीक। क्लास हो गया आपका क्या, मेमेलिया। मेमेलिया क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि इनमें क्या मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है ना। यस मैम, ठीक है। और ये फैमिली हो गया हो मीनी डी, ठीक है। जहां पर नहीं समझ में आएगा स्पेलिंग तो बोल देना, बता दूं, ठीक है, ओके। यस मैम, सेपियन। देखो तो इसमें जैसे मान लो ये एनिमल हो गया, कॉर्डेटा हो गया, मेमेलिया हो गया, प्राइमेटा हो गया, होमिनिडी है, ये सारा आप इन सब को मिला के क्या बनता है, इन सब को मिला के बेटा आपका टैक्सॉन बनेगा। क्या बनेगा, टैक्सॉन, या इसको हम रैंक बोलते हैं, आता है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या हम इनको। अब इसी का प्लूरल क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा टैक्सा। तो आप ये मत कंफ्यूज हो गया होइएगा कि मैम ने टैक्सॉन बताया, टैक्सा नहीं बताया, ठीक है, समझी। तो टैक्सॉन yes, किसको बोलते हैं, या रैंक किसको बोलते हैं, इन सब को, ठीक है, इन सब को एक में सब। देखो किंगडम, फाइलम, ये सब तो आपका कैटेगरी हो गया, ये कैटेगरी है ना, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ये कैटेगरी है कि ये फर्स्ट कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी, ये कैटेगरी है, ठीक है। बट इस कैटेगरी के अंदर जो आ रहा है एनिमिलिया, कॉर्डेटा, मेमिलिया, इन सब को हम मिला के क्या बोलते हैं, टैक्सॉन, किसी एक को नहीं, समझ रहे। इसलिए मैंने सारा एरो लिख दिया है, एरो इसलिए बनाया है, समझ में आया। यस मैम। हाँ तो कंफ्यूज नहीं हो ना, और लिख लो मैम, ऑल लिविंग, All living organism, ठीक है, in a taxonomical, ठीक है, taxonomical, ठीक है, कोई आपसे पूछेगा कैटेगरी क्या है तो आप ये बताओगे, ठीक है, अगर टैक्सॉन कैटेगरी पूछेगा तो ये बताओगे, सिर्फ टैक्सॉन पूछेगा तो ये आप बताओगे, ठीक है, समझ में आया ना। यस मैम। चलो अब आगे चलते हैं बेटा, क्योंकि देखो ये चलो ठीक है, इतना ठीक है, आगे देखते हैं। चलो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना बेटा? नो मैम, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? नो मैम। चलो ठीक है, क्योंकि आप आपको इतना पता है ना कि कई स्पीशीज मिलकर एक जीनस बनाते हैं ना। यस मैम। और कई जीनस मिलकर एक फैमिली बनाते हैं, ठीक है, तो आप देख रहे हो ना ये सीक्वेंस कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है ना, इसलिए इन सबको हम मिला के हम क्या बोलते हैं, इसलिए आप बोलोगे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी होता है, ठीक है,
अब आगे चलते हैं बेटा। अब हम ये तो हम ये सब पढ़ रहे थे, किसमें पढ़ रहे थे बेटा, हम लोग ट्राइनोमियल में पढ़ रहे थे ना। यस मैम, ट्राइनोमियल। हाँ ट्राइनोमियल, बाइनोमियल तो हो गया था, ट्राइनोमियल। अब एक और था ना जी, इसमें इसमें ये पढ़ रहे थे ना, इंटरमीडिएट भी पढ़ा था ना एक। यस मैम, ऑब्लिगेट, इंटरमीडिएट। मैं आपने जो बताया था ना, टैक्सोनॉमी कैटेगरी में दो कैटेगरी आते हैं, ऑब्लिगेट एंड इंटरमीडिएट। ना पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाइनोमियल ट्राइनोमियल तो कब का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, ये हम लोग टैक्सोनॉमी ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब आगे चलिए, हटा दो ना। यस मैम, हो गया। चलो तो आगे आपको कि अब हम इंटरमीडिएट पे आते हैं, ठीक है। अब इंटरमीडिएट कैसे होगा वो भी मैं आपको बताती हूँ। हेडिंग डाल दो आप पहले, इंटर। देखो हर एक पॉइंट में ना, वो हर एक सेंटेंस में आपका पॉइंट छुपा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके माइंड में रहना चाहिए, जो कि बहुत ही बेसिक है। कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए वहां पर आपको सोचना नहीं है बेटा, ठीक है। यस मैम, ठीक है। तो अब देखो इंटरमीडिएट टैक्सोनॉमियल के बारे में देखते हैं, होता क्या है इसमें, होता क्या है। कैटेगरी भी लिख लो आप, टैक्सोनॉमियल कैटेगरी, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, सपोज मान लो बेटा ये है, ये देखो, ये मान लो स्पीसीज, ये स्पीसीज है, एस क्या है, स्पीसीज है ना। तो आपने देखा yes, स्पीसीज के ऊपर, जस्ट ऊपर हम लिखते हैं, या स्पीसीज के जस्ट ऊपर सोचो, या जीनस के जस्ट ऊपर आप देखते हो ना, सुपीरियर होता है ना, सुपीरियर जीनस या सुपीरियर फाइलम या सब फाइलम, सुना है ना, सब फाइलम सुपीरियर फाइलम, सुना है कि नहीं। नो मैम, ना चलो आता है, जब आप थोड़ा और डिटेल पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा। भाई आप 11 12 पढ़ रहे हो, आप बोर्ड का एग्जाम है, नीट का है, डॉक्टरी लेवल का है, तो सब आना चाहिए, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि किंगडम है ना, ये सपोज मान लो एक फाइलम ले लिया तुमने, मान लो एक मैंने यहाँ पे पी ले लिया फाइलम, ठीक। तो फाइलम के ऊपर जब हम काउंट करते हैं तो लिखते हैं सुपर फाइलम, ठीक है। आप सिर्फ ये सेवन तो आप जान ही रहे हो कि ये सेवन है, ठीक है, ये तो आप सेवन जान ही रहे हो। बट इनके आप जैसे कि आप, आपके ऊपर जो है, मान लो आपके मम्मी पापा हैं, तो वो तो आपसे सुपर हुए ना। यस मैम, तो वही समझ जाओ कि फाइलम के ऊपर जो होगा यहाँ पे उसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे। अब ये किंगडम मत समझ लेना कि किंगडम बता रही है, फाइलम के ऊपर जस्ट मैं इंटरमीडिएट के बारे में बता रही हूँ, इंटरमीडिएट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होता है, ठीक है, आता है एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, आ जाएगा कि फाइलम का इंटरमीडिएट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए ना, ऊपर क्या हम लिखते हैं, सुपर फाइलम, और जस्ट नीचे क्या लिखते हैं बेटा, जस्ट नीचे क्या होता है, क्या होता है, सब फाइलम। सब फाइलम, हाँ, कंफ्यूजन नहीं है ना, ये मैंने सिर्फ तुमको एक एग्जांपल लेके फाइलम का बताया। इसी तरह तुम इसका बता सकती हो ना, क्लास का क्या होगा, यानी कि फाइलम के बाद डायरेक्ट क्लास नहीं आएगा। आप देखो जब क्लासिफिकेशन पढ़ोगे ना बेटा, ठीक है, ये तो मेनली सात सिंपल है, ठीक है। जब आप क्लासिफिकेशन किसी भी किसी के बारे में पढ़ो, मान लो ह्यूमन के बारे में ही पढ़ रहे हो या इंसेक्ट के बारे में पढ़ रहे हो, तो आप देखना गूगल पे सर्च मारना, ठीक है, आप लिखना क्लासिफिकेशन किसी के बारे में देखना, तो देखना वहां पे होगा फाइलम के जस्ट नीचे होगा सब फाइलम होगा, क्लास के ऊपर होगा सुपर क्लासेस, और क्लास के जस्ट नीचे होगा क्लास, क्लास के जस्ट नीचे क्या होगा, क्या होगा, सब क्लासेस ना। यस मैम, देखो कंफ्यूज मत होना, मैंने यहाँ पे एक बता दिया है, अब इसी तरह तुम सारा सबका सब लिख लोगी ना, लिखवाना पड़ेगा। यस ना मैम, लिख लूंगी, समझ में आ जाए, क्यों लिख लेना, क्योंकि लिखोगे तो तुम्हारे माइंड में रहेगा, समझी, ताकि तुमको ये ना हो फ्यूचर में कि भैया हम तो सुपर फाइलम पढ़े ही नहीं है, हम तो सब क्लासेस जानते ही नहीं है, ओ क्लास के बाद सब क्लासेस भी होता है, हमको मालूम नहीं था, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा।
ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल देके बताया कि इससे ऊपर रहेगा तो वो सुपर होगा, इसके जस्ट नीचे आएगा फाइलम तो सब फाइलम होगा, और क्लास के जस्ट ऊपर सुपर क्लासेस, क्लास के जस्ट नीचे सब क्लासेस, ऑर्डर के जस्ट ऊपर सुपर ऑर्डर, ऑर्डर के जस्ट नीचे सब ऑर्डर, इसी तरह फाइलम का बताओ हमको। सुपर फाइलम ऊपर के नीचे मैम, मैम किसमें फाइलम का, फाइलम का बताओ, ऊपर जाएंगे तो सब फाइलम होगा कि सुपर फाइलम होगा? मैम सुपर होगा, और नीचे जाएंगे तो सब फाइलम होगा। समझ में आया ना? ठीक yes, है मान लो इस तरह तुमको दे दिया गया और बोला गया कि बेटा इसको सीक्वेंस में लगाओ, ठीक है, कहीं भी कुछ भी लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया सुपर क्लासेस, वहां पे लिख दिया सब फाइलम और सब फैमिली, तो इसको तुम सीक्वेंस में लगा लोगे ना? जब yes, ma'am. तभी तो सीक्वेंस में लगाओगी बेटा, कि ओ किंगडम के बाद डायरेक्ट फाइलम नहीं आता है, पहले सुपर फाइलम आता है, फिर फाइलम, फाइलम के बाद फिर सब फाइलम आता है, ओ फिर क्लास के पहले सुपर क्लासेस आता है, ठीक है, समझ में आया ना? चलो यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। एक बार देख लेना अच्छी तरीके से, ठीक है, और सुनो जो भी नोट्स है उसको रिवाइज करते रहना, कहीं भी कंफ्यूजन होगा पूछ लेना, ठीक है? यस मैम। चलो अब देखते हैं, ये तो मैंने एग्जांपल देके समझा दिया, मैं लिख देती हूँ एग्जाम, ठीक है, समझाया इसको, समझाना तो इसी तरह हम इधर लिख सकते हैं ना, इधर लिख सकते हैं जैसे ये तो मैंने ऐसे समझा दिया, ठीक है, ऐसे आप लिख लेना, क्या होता है सुपर फाइलम होता है, और क्या होता है सब फाइलम होता है ना, और ये ऊपर होता है, ये जस्ट नीचे होता है, इसी तरह आपका क्या हो जाएगा सुपर क्लास, क्लास हो जाएगा, इसी तरह सब क्लास, क्लास, ठीक है। बाकी अब मैं नहीं लिख रही हूँ, आप अब देखो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली, फैमिली का, फैमिली का माइंड में रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि जब ये सब फैमिली जो होता है, सब फैमिली और सुपर फैमिली, इधर मैं लिखती हूँ सुपर, सुपर जीनस, नहीं नहीं इधर सुपर जीनस होगा, ठीक है, मैं इधर लिखती हूँ सुपर जीनस, ये बहुत आता है बेटा क्वेश्चन, ठीक है, कि दे देगा आपको क्वेश्चन में कि ये आप हमको बताओ सब फैमिली और सुपर जीनस के बीच में क्या आता है, के बीच में क्या आता है, देखो आप जब देखोगे ना, कोई सर्च करोगे ना किसी का क्लासिफिकेशन, तो कहीं किसी में दिखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, तो देखो मैंने क्या बताया, सबसे पहले मैंने लिखा सब फैमिली, तो सब फैमिली आपका यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि फैमिली के जस्ट नीचे, है ना, है ना, उसके जस्ट ऊपर क्या हो जाएगा आपका सुपर जीनस होगा, सुपर जीनस, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, देखो इन दोनों के बीच में क्या होता है, ये क्या होता है, मैं इधर लिखती हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना माइंड में, बीच में जो होता है मैं इधर लिख देती हूँ, उसको हम बोलते हैं ट्राइब, क्या बोलते हैं ट्राइब, ट्राइब, हाँ आ जाएगा, अब जैसे कि कोई भी एनिमल है या कोई भी प्लांट हो उसका ट्राइब भी होता है, ट्राइब मतलब समझ रहे हो, जैसे मैंने ये लिखा है ना होमिनिडी लिखा है या होमो सेपियंस लिखा है, इसी तरह यहाँ पे ट्राइब का कुछ लिखा रहेगा, समझ रहे हो, और उसी तरह ये हर उसमें होगा, नहीं कोई जरूर नहीं है हर हर उसमें हो, ठीक है, जिसका जिसका मिलेगा उतना उसको होगा, ठीक है, अब देखो जैसे मैंने इधर फाइलम लिखा है ना, तो जब आपको पता रहेगा सुपर फाइलम या सब फाइलम तब ना आप लिखोगे, हाँ तो मान लो अगर ह्यूमन का होगा तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, ये साथ तो इंपॉर्टेंट होता ही है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन में आता है कि आप इसका सब फाइलम क्या होगा, ह्यूमन का सब फाइलम क्या होगा, तो जब आप पढ़े रहोगे तब ना लिखोगे कि हाँ सब फाइलम ये होता है, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया ना, ये तो आपको माइंड में, बट सब फाइलम सुपर फाइलम बस आप माइंड में रखिए कि हाँ सुपर फाइलम भी होता है सब फाइलम भी होता है, अब एक दो क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट होगा जिसका मतलब मान लो ट्राइब भी होता होगा,
ठीक है, अब ऐसा तो नहीं कि सबका ट्राइब होगा, सबका सुपर क्लासेस होगा, सबका ये होगा, ठीक है, ओके यस मैम। हेलो, सबका होता भी होगा तो हम थोड़े माइंड में रख पाएंगे, याद कर पाएंगे क्या? अभी तो ये 7 को याद करने में हालत खराब हो जाता है। हाँ तो माइंड में रखना बस, ठीक है, ऐसा ना हो कि हमको पता ही नहीं है सुपर फाइलम सब फाइलम ये सब क्या है, इनको हम इंटरमीडिएट टैक्सोनॉमिकल बोलते हैं। आ गया क्वेश्चन कि मान लो आ गया इंटरमीडिएट टैक्सोनॉमी कैटेगरी, बताओ बेटा, चार ऑप्शन हो गया, किंगडम, सब फाइलम, सुपर क्लासेस, ऐसे कर दिया। तो जब इसके अंदर तो हमको किंगडम बताना ही नहीं है, हमको तो यही बताना है कि सुपर फाइलम या सुपर क्लासेस या सब क्लास, यही सब होता है ना? यस मैम। हाँ चलो, कोई भी दिक्कत तो नहीं है ना? नो मैम। याद कर लेना ये इंपॉर्टेंट है ट्राइब, ठीक है, कि हमको क्या माइंड रखना है कि सब फाइलम और सुपर जीनस के बीच में जो होता है उसको हम ट्राइब बोलते हैं। भूलोगी नहीं ना? नो मैम। पक्का? पक्का। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हटा दो, यस मैम। देखती हूँ कल याद रहता है कि भूल जाती है, ठीक है। अब ये बताओ, पढ़ने से पहले एक बार रिवीजन करती हो कि नहीं? यस मैम करती हूँ। कोई भी चीज, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी चीज, तुम नया टॉपिक पढ़ रही हो तो पहले उसका पुराना वाला याद कर लो, और सोने से पहले माइंड में, बिस्तर पे जब जाती हो तो सोने से पहले माइंड में एक बार जरूर रिवाइज करो कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या आ रहा है, ठीक है, क्या क्या नहीं आ रहा, क्या क्या पढ़ना है, समझी? रिवाइज करो माइंड में, तभी देखो सो रही हो, सोने जा रही हो, मान लो कुछ तुम याद कर रही हो, मान लो यही याद कर रही, ठीक है, मान लो क्लास याद कर ली, अब इसको तुम्हारा ऑर्डर नहीं याद, तो तुम्हारा मन होगा अगर पढ़ने का जिज्ञासा होगा तो तुम तुरंत उठोगी, पहले देखोगी यार क्या था, याद किए तो भूल गए, देखोगे कि नहीं? यस मैम। फ्रेश रहेगा तो तुम कहोगे छोड़ो कल देखते हैं। चलो अब नया हेडिंग डालो, एक स्पीसीज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, चलो स्पीसीज पहले देखते हैं, नया हेडिंग डालो स्पीसीज। देखो एक्साइटेशन होना चाहिए कोई भी चीज को लेकर पढ़ने के लिए, ठीक है, जिज्ञासा मतलब होना चाहिए कि नहीं हमको आना ही चाहिए हर हालत में। चलो तो देखो, एक स्पीसीज हम लेते हैं बेटा पैंथरा को, क्या लेते हैं, मान लो ये पैंथरा है, पैंथेरा, ठीक, पैंथेरा टाइग्रिस, ये क्या हो गया, टाइगर का साइंटिफिक नेम हो गया, ठीक है। यस मैम। क्या क्या करते हैं, क्या किया जाए इनके साथ, चलो तो ये तो हो गया स्पीसीज, अब हम इनका थोड़ा जीनस भी लिख लें, जीनस, ठीक है, तो जीनस जो होता है, मैंने आपको बताया था कि ग्रुप जो होता है, ग्रुप ग्रुप ऑफ सिमिलर, ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज, बताया था, कुछ याद आ रहा है, ग्रुप ऑफ स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, जीनस बोलते हैं ना, मैंने बताया था ना कि कई स्पीसीज मिलके आपका एक जीनस, तो जो स्पीसीज मिलके बनाएंगे वो सिमिलर ही होगा ना कि डिफरेंट डिफरेंट होगा मैम, सिमिलर ही होगा। मान लो अगर हम होमो सेपियंस की बात कर रहे हैं तो इसमें ह्यूमन ही बताएंगे ना, कि ह्यूमन के अलावा और कैट बिल्ली दूसरा कुछ बताएंगे? नो मैम, ह्यूमन ही बताएंगे, है ना, ह्यूमन से मतलब स्पीसीज जो है, अब ये ह्यूमन की बात हो रही है, यहाँ पर ह्यूमन से ही रिलेटेड सिर्फ स्पीसीज होंगे, ठीक है, चलो यस मैम। तो वही मैं बता रही हूँ, यहाँ पर सिमिलर स्पीसीज, ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, जीनस। हाँ समझ में आया, चलो yes, आगे देखते हैं। अब जैसे अब मैं तुमको समझाती हूँ कि मान लो फिर से एग्जांपल लेती हूँ, किसका, पैंथरा को ही ले चलते हैं, चलो पैंथरा वाइस आपको ले लेते हैं, पैंथेरा क्या होगा, टाइग्रिस,
पैंथरा टाइग्रिस, ये सब मतलब कॉमन नेम है बेटा, आपको याद आना चाहिए, मतलब ये साइंटिफिक नेम जो है, मतलब मैं ये कह रही हूँ ये आपके माइंड में रहना चाहिए, पैंथरा टाइग्रिस, पैंथरा लियो, पैंथरा पार्डस, ये सब नॉर्मल है, माइंड में रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। यस मैम। ये सब इसका साइंटिफिक नाम है, जैसे कि मान लो आप फिर से मैंने लिखा पैंथेरा, पैंथरा लियो, ये स्मॉल लेटर होगा, ठीक है। लियो इनको क्या बोलते हैं, ये किसको बोलते हैं, लॉयन को बोलते हैं, ठीक है। अब तीसरा लिख लो पैंथरा, पैंथरा पांडस, ये बोलते हैं इनको पैंथर, ठीक है। तो अब बताओ इन तीनों में बेटा आपको क्या सिमिलरिटी दिख रहा है, कुछ सिमिलर कुछ दिख रहा है, ये क्या है सिमिलर दिख रहा है, ये क्या है पैंथरा, हाँ ये सब पैंथरा पैंथरा सिमिलर दिख रहा है, और ये क्या है, यस स्पीसीज है कि जीनस है, क्या है पैंथरा स्पीसीज है कि जीनस है, मैम स्पीशीज, आप बताओ हमको क्या मालूम जीनस होगा कि स्पीसीज होगा, पहले क्या आता है, पहले जीनस स्पीशीज, पहले जीनस, हाँ जीनस, फिर स्पीसीज आता है, कंफ्यूज मत होना, माइंड में रखना, होता है हम लोग बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, लास्ट में जब लिखना बैठने रहता है एग्जाम में तो सोचते हैं यार पहले जीनस होगा कि स्पीसीज होगा, ठीक है। तो पहले yes, क्या होता है जीनस, ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिखा है ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज, ठीक है, ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज, ठीक है, जीनस बोलते हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये जीनस है ना कि स्पीसीज है, नो मैम जीनस है, और ये सब क्या है, कंफ्यूज मत होना, ये तीनों क्या है, क्या है बताओ, जीनस, हाँ जीनस तो तुमने ये बता दिया, ये स्पीसीज होगा ना, क्या होगा, मैं इधर लिख रही हूँ, सिर्फ मैं इधर लिख रही हूँ कि जीनस पैंथरा, ठीक है, ये जो है ना ये जीनस है बेटा, भूल जा रही हो, ये आपका जीनस है, और ये क्या है, स्पीशीज, तो सबसे हम लोग जो सीक्वेंस लिखते हैं तो पहले स्पीशीज लिखते हैं कि जीनस लिखते हैं, जीनस ही लिखते हैं ना, जो कि कैपिटल में होता है ना, जो स्मॉल लेटर होता है होता है ना, मैंने इधर लिखा है कि ये जीनस पैंथरा है, ठीक है, मतलब जो सिमिलरिटी मिल रहा है, सिमिलरिटी जो मिल रहा है, तीनों जीनस एक समान है कि नहीं है, है ना, चलो अब देखो एक और आगे बताती हूँ, तो आप ये कह सकती हो कि ये जो एक और एग्जांपल देते हैं, एक अब फैमिली के बारे में थोड़ा देखते हैं, ठीक है, इनका फैमिली देखा जाए, मान लो फैमिली बात करे, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना बेटा, नो मैम ठीक है, वो धीरे धीरे आ जाएगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा, नहीं देखो कंफ्यूजन होगा तो पूछ लेना, नहीं तो फिर भूल जाओ, अब मान लो कोई भी मैंने साइंटिफिक नाम लिखा है आप ही देखो, तो मैंने आपको पहले बताया था ना कि बेटा जो कैपिटल में होता है वो जीनस होता है, जो स्मॉल लेटर में होता है वो स्पीसीज होता है, है ना, आप ये समझ के, ये जो मैंने लिखवाया ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज, ये आप सोच के सोचा होगा कि नहीं आई थिंक ये स्पीसीज है ना, हाँ हाँ, तो ये नहीं है, ऐसा नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बोला है कि यहाँ पर कि कई सिमिलर स्पीसीज मिलके आपके एक जीनस बनाते हैं ना, उसका मतलब है उसको आप यहाँ पर मत फॉलो करो, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर तो जीनस सेम है ना, जीनस, यस मैम, और स्पीसीज आपके डिफरेंट डिफरेंट है ना, तो देखो आप फैमिली की बात करते हैं, सिमिलर जीनस होगा इसमें क्या होगा, फैमिली में क्या होगा, अरे यार ये क्यों पिंक और क्या लिखा, चलो ये क्या होगा, सिमिलर फैमिली में क्या आएगा बेटा, सिमिलर जीनस आएगा, यस बोलो कैसे, बताते हैं देखो,
मान लो मैंने लिया पैंथेरा को ही ले चलते हैं, पैंथेरा ले लिया और दूसरा ले लिया मैंने फेलिस, ऐसे यहाँ पे ठीक है ये ऐसे है। तो ये हो गया, ये फेलिस किसको बोलते हैं बेटा, कैट को बोलते हैं, किसको बोलते हैं कैट को, कैट हाँ बिल्लियां जो होती है। तो ये बताओ जो पैंथरा होता है जो कैट होती है ये दोनों को मिलता जुलता है कि नहीं? Yes, ma'am, है ना, इनका जीनस क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है जीनस क्या होगा, सिमिलर होगा, इसलिए मैंने उनका बोला कि फैमिली जो है सिमिलर जीनस जो है वो मतलब एक ही फैमिली में आएंगे वो, ठीक है। तो उनके फैमिली को हम क्या बोलते हैं बेटा, बोलते हैं उनको फेलिडेई, ठीक है फेलिडेई। यानी कि आप देखोगे पैंथरा आप डालोगे गूगल पे, जब आप पैंथरा डालोगे आप देखोगे पैंथरा का फैमिली फेलिडेई होगा, ठीक है, और कैट का भी आप देखोगे फैमिली क्या होगा, फेलिडेई होगा, ठीक है। यस मैम, कंफ्यूजन नहीं है ना? नो मैम, पक्का? यस मैम, देखो 100% कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नो मैम। ओ जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो कहोगी ओ अब मैं आजाद हूँ। बहुत लेंदी, अभी ये तो कुछ नहीं है, अभी आगे पढ़ोगी ना तो कहोगी भगवान कब कंप्लीट होगा। तुम बायोलॉजी क्लासिफिकेशन पढ़ोगी प्लांट किंगडम या एनिमल किंगडम, तब तो बताया नहीं, कहोगे कि यार 1 महीना लगेगा 2 महीने क्या लग रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। बट देखो कोई भी चीज में आप जब इंटरेस्ट लेते हो ना, अगर बोर होगी ना तो तुमको नहीं करने का मन होगा, ठीक है, अगर उसमें इंटरेस्ट जगाओगी तो तुम बहुत ही मजे से करोगे इस चीज को, ठीक है ओके। यस चलो तो हम पैंथरा को ले लिए, मतलब अब बताओ पैंथरा जो है हम लोग बोलते हैं, कैट जो है शहर की मौसी है, ठीक है कि मौसी बोलते हैं ना कैट को, तो ये हाँ। ये शहर की मौसी है, बट ये तो बोलने नहीं ना जाती हो कि पैंथरा जो है वो मामा है कैट के, ये तो नहीं बोलने। नो मैम, हम लोग ऐसे कहावत बोलते ना कि बिल्ली मौसी जो है इसे उनसे पता चलता है ना उसका, ठीक है ये फैमिली इनका एक ही है मतलब, ठीक है। चलो तो ये तो फैमिली हो गया, अब हम इनका ऑर्डर, अब इसी तरह तुम हमको बताओ ऑर्डर को हम क्या लिखेंगे। ऑर्डर में, ऑर्डर की अगर बात करें, ठीक है ऑर्डर, माइंड फ्रेश है ना आपका? हाँ यस मैम, बोर मत होना। देखो ऑर्डर, चलो थोड़ा सा तुमको थोड़ा सा साथ में, पहले कौन सा क्या कोई मूवी था याद नहीं आ रहा है सर, हाँ कोई हाँ खिचड़ी, खिचड़ी मूवी देखा आपने? नो मैम। बहुत ही कॉमेडी मूवी है हाँ, तो उसमें देखना उसमें जो साहिद हीरो है ना उसकी उसकी मॉम ने मतलब वो मूवी उसमें है उसकी, तो वो क्या कहती है वो अपने हस्बैंड से पूछती है कि पता नहीं क्या नाम रहता है उसके हस्बैंड, तो बहुत ही हंसी है वो मूवी देखना खिचड़ी। तो उसमें पूछती है कि ये बताओ कि ऑर्डर मीन्स क्या होता है, ठीक है, तो वो बोलता है ओ मतलब ऑर्डर, समझ रही हो? और डरो, समझ रही हो? अच्छा और डरो, और डरो। वो एक्चुअली वो कोर्ट में रहते हैं सब, ठीक है, और वहां कोई सुनवाई करते हैं सब, तो वो बोलते हैं सब ऑर्डर ऑर्डर, तो वो बोलती है उसका मतलब पूछती है कि आप हमको इसका मतलब बताइए, तो वो कहता है कि ऑर्डर मीन्स मतलब ऑर्डर ऑर्डर। चलो माइंड फ्रेश हुआ? देखो पढ़ते yes, ma'am. और हो जाए तो कुछ कुछ ऐसे कॉमेडी या कुछ देखो जिससे तुम्हारा माइंड एकदम थोड़ा हंसी हो ताकि हंसोगे तो माइंड फ्रेश हो जाएगा, ठीक है। चलो yes, ma'am. आप ऑर्डर को देखते हैं, तो आप ऑर्डर में आप ऑर्डर तुमको भूलेगा भी नहीं। yes, ma'am. तो देखो फैमिली में मैंने तो सिमिलर जीनस डाल दिया, तो उसी तरह ऑर्डर में मैं सिमिलर क्या डालूंगी बताओ, क्या डालूंगी सिमिलर?
क्या डाल सकते हो बताओ, आप समझ में आया? ठीक है, देखो ऑर्डर आते हैं, ये जो ऑर्डर भाई है ना, इनमें इनमें कई ढेर सारे जो ऑर्डर जो होंगे ना, ठीक है, वो उनमें जो फैमिली जो होगी वो सेम होगी। देखो इनकी फैमिली जो है, जैसे इनकी फैमिली जो है कि मतलब एक वाले फैमिली का ऑर्डर जो है, समझना ध्यान से, ठीक है। मान लो ये मैंने फैमिली उठाया, ठीक है, ये फैमिली उठाया, तो मैंने इधर लिखा है ऑर्डर में लिखा है कि सिमिलर फैमिलीज, ठीक है, सिमिलर फैमिलीज। तो यहाँ पे ऑर्डर में आपके ढेर सारे सिमिलर फैमिलीज मिलके आपके क्या बना दे रहे हैं, ऑर्डर, ठीक है, समझ में आया ना, कंफ्यूजन नहीं है ना? नो मैम। जैसे मैंने यहाँ पे तुमको बताया ना कि क्या कहा जाता है, जैसे ये पैंथरा है और ये कैट है जो फिलिस है, तो इनका फैमिली सेम है ना, समझ रही? यस मैम, उसी तरह इनका ऑर्डर सेम होगा, बस यही माइंड में रखना है। तो अब देखो, अब देखो इनका एक लिख लेते हैं, ये ऑर्डर जो है इनमें, ये मैंने किसका बताया था, किसका बताया था, ये फैलिडी, ये फैलिडी जिसका बताया है इसका, ये फैमिली, फैमिली में बताया ना, ठीक है। तो yes, ये यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि मैंने लिखा है सिमिलर फैमिली, यहाँ पर तुम फैमिली लिख लो, लिखो, पहले आप लिख सकते हो कि फैलिडी, ठीक है, फैलिडी, फैलिडी हो गया। और दूसरा हम ले लेते हैं, एक फैलिडी हो गया, दूसरा हम ले लेते हैं, दूसरा लिखते हैं हम डॉग फैमिली का, लिखते हैं उनको, हम बोलते हैं डॉग फैमिली को बोलते हैं कैनिडी, ठीक है। इसमें ये कौन होते हैं, ये बेटा डॉग फैमिली में आते हैं, डॉग फैमिली, ठीक है, ओके। तो अब देखो, अब तुम मिला दो, ये तो तुम्हारी देख रही हो, ये कैट को और पैंथरा को दोनों को मिला के मैंने फैलिडी बना दिया, ठीक है। यस मैम, कैट को, बिल्ली को और डॉग को, तीनों को मिक्स करोगे तो डॉग तो डिफरेंट हो गया ना, कैट और शेर से, दो कैट और शेर तो मिलते जुलते रहेंगे, लेकिन डॉग क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, डिफरेंट होगा। तो फिर ये कैनेडी और फैलेडी, इन दोनों में सिमिलरिटी क्या होगा, ये होगा कार्निवोरा। कार्निवोरा मीन्स क्या होता है, कार्निवोरस मतलब क्या होता है, जो मांस खाते हैं बेटा। देखो एक लिख लेना ब्रैकेट में, रफ में, कि हर्बीवोरस मतलब होता है जो घास फूस खाते हैं, जो खाते हैं, ठीक है, या सिर्फ जो फ्रूट वेज वज पे रहते हैं, ठीक है। कार्निवोरस सिर्फ जो मांस खाते हैं, जो मांस और फ्रूट दोनों खाते हैं उनको क्या बोलते हैं, ओमनी, हाँ ठीक है, उनको ही हम सर्वाहारी बोलते हैं ना, ठीक है, समझ में आया ना? चलो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, समझ में आया कि नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नो मैम। चलो एक बार आधा घंटे बाद थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेना, कोई डाउट होगा तो कल पूछ लेना, ठीक है, ओके। देखो पढ़ने के बाद ना, जो चीज आज पढ़ी हो, ठीक है, तो उसको, जो चीज आपने आज पढ़ा है उसको किसी ना किसी टाइम पे आज ही थोड़ा सा रिवाइज कर लोगे एक बार, ठीक है। जैसे कि अभी आप पढ़ ली, अगर आपके अभी आपको कुछ नहीं पढ़ना है तो आप 15 मिनट का ब्रेक ले लो, और ब्रेक लेने के बाद क्या करो, इसको एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है, ओके। देखो आज अगर रिवाइज करोगे तो मान लो 15 मिनट लगेगा, कल इसी चीज को एक बार और पढ़ोगे तो मान लो फिर 10 मिनट लगेगा, फिर परसों इसी चीज को एक बार और पढ़ोगे तो 5 मिनट लगेगा, है ना? और अगर एकदम छोड़ दोगी तो फिर महीना दिन लग जाएगा। चलो ओके, बाय बाय, थैंक यू मैम, मोस्ट वेलकम।